स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आपका जो टॉपिक चल रहा था व्यवसाय चल रहा था, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में रोज़गार के बारे में बताया था, रोज़गार किसे कहते हैं, तो मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया था। तो व्यवसाय क्या होता है मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया था। व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय बोलते हैं। तो मैंने आपको अच्छी तरह से ये बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया पेशा। पेशा से ऐसे उन मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जिसमें व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान अनुभव प्रशिक्षण तथा योग्यता के माध्यम से अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा एक निश्चित प्रतिफल के बदले करता है। जैसे डॉक्टर अपने अनुभव व योग्यता द्वारा रोगी का इलाज करता है तथा अध्यापक अपने ज्ञान व योग्यता द्वारा बच्चों को पढ़ाता है, वो क्या कहलाता है, पेशा। उसके बाद मैंने आपको रोजगार बताया जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं तथा उसके बदले उन्हें पारिश्रमिक मिलती है, उसे क्या बोलते हैं हम, रोजगार। तो मैंने ये आपको अच्छे से बताया था। तो इसके कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं, अंतर लिखे हुए हैं। जैसे स्थापना विधि, यानी व्यवसाय पेशा रोजगार स्थापना किस कारण कैसे होती है, तो लिखा हुआ है यदि आवश्यक हो तो उद्यमी का निर्णय तथा अन्य कानूनी औपचारिकताएँ इसमें व्यवसाय में होती है, इसकी स्थापना इस तरह से होती है। इसमें जो उद्यमी है, जो उद्योग करना चाह रहा है, उसका ही निर्णय और जो थोड़ी बहुत जो अन्य कानूनी औपचारिकताएं होती हैं बस केवल वो करनी होती हैं। उसके बाद है पेशा, व्यावसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पक्ष क्या कहलाता है, पेशा। पेशा इसमें आवश्यकता, जो स्थापना है इसमें आवश्यकता इसकी होती है। तो क्लियर है, योग्यता का प्रमाण पक्ष, ठीक है। उसी प्रकार रोजगार है, रोजगारों के बारे में मैंने बताया, किसी दूसरे के लिए कार्य करना जैसे नियुक्ति पत्र तथा सेवा समझौता के द्वारा ही रोजगार किया जा सकता है। यानी रोजगार का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य कर, तो नियुक्ता आपको नियुक्ति पत्र देगा या कोई सेवा समझौता यानी मौखिक होते हैं उसी के अनुसार अगर कोई आपके विवाद हो जाता है तो उसी समझौतों के द्वारा ही आपसे निपटारा किया जाएगा। क्लियर है। तो व्यवसाय पेशा रोजगार की जो स्थापना विधि है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। यदि जैसे व्यवसाय में लिखा हुआ है यदि आवश्यक हो तो उद्यमी का निर्णय तथा अन्य कानूनी औपचारिकताएं, पेशे में लिखा हुआ है व्यवसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पक्ष, और रोजगार है, रोजगार में लिखा हुआ है नियुक्ति पत्र तथा सेवा समझौता। तो क्लियर है। उसके बाद प्रकृति लिखी हुई है, यानी प्रकृति का मतलब है नेचर, यानी उसके डेफिनेशन क्या है, व्यवसाय कहते किसे हैं, पेशा किसे कहते हैं, रोजगार किसे कहते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन तथा क्रय विक्रय होता है। तो मैंने आपको अच्छी तरह से कई बार बता दिया है व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु तथा सेवा का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है वो हम व्यवसाय बोलते हैं। तो इसकी जो उसी प्रकार पेशा है, इसके अंतर्गत विशेषज्ञ के रूप में सेवाएँ अर्पित की जाती हैं। विशेषज्ञ के ग्रुप में सेवाएं को अर्पित का मतलब है जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप किसी बीमारी के इलाज के लिए जाता है, वो आपका इलाज करेगा, या किसी सीए है, सीए सा कोई अपनी कंपनी के रिलेटेड कोई राय लेना चाहते हो तो एक अपने ज्ञान से वो अपनी उसके बारे में बताएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, या फिर डॉक्टर हो गया, इंजीनियर है, और ये सब क्या है, एक पेशे के अंदर ही आते हैं। उसके बाद है रोजगार, इसके अंतर्गत समझौते के रूप में नियुक्ता द्वारा कार्य सौंपा जाता है। इसमें क्या है, नियुक्ता अगर जो कार्य सौंपेगा उसी के अनुसार आपको कार्य करना होगा। तो व्यवसाय पेशा और जो रोजगार है, मैंने आपको ये तीनों अच्छी तरह से आपको डिटेल में भी करा दिए हैं। ये केवल मैं आपको डिफरेंस करा रहा हूँ व्यवसाय पेशा रोजगार में क्या अंतर होता है। इसमें केवल सेवाएँ आती हैं, इसमें वस्तु और सेवाएँ दोनों आती हैं। जो व्यवसाय है उसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और क्रय विक्रय किया जाता है, इसमें खाली सेवाओं को अर्पित किया जाता है, और रोजगार में नियुक्ता द्वारा कार्य सौंपा जाता है। उसके बाद है योग्यता, यानी जो व्यवसाय है इसके लिए औपचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। जो व्यवसाय है उसमें कोई औपचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पेशे में एक योग्यता का आवश्यक है। जैसे सीए है चार्टर्ड अकाउंटेंट की उसे डिग्री चाहिए तभी वो प्रोफेशन में जा सकता है, वो कहलाता है। इंजीनियर है, उसे इंजीनियर बीटेक एमटेक होना चाहिए, तो वो क्या है, नहीं पेशे हैं। उसके बाद रोजगार है, इसके लिए निर्धारित योग्यता आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप देखते होगा आसपास आपके क्षेत्र से व्यक्ति कार्य करने के लिए जाते हैं तो अनपढ़ व्यक्ति भी कार्य करता है उसके लिए, यानी जो रोजगार है उसमें कोई कार्य यानी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। विनियोग, व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप पूंजी का विनियोजन आवश्यक है। पूंजी है
पूंजी का क्या मतलब होता है, एक स्वामी द्वारा एक मालिक द्वारा लगाया गया पैसे को ही हम क्या कहते हैं पूंजी। तो यह क्या है, इसमें जो विनियोग यानी जो पूंजी का विनियोजन आवश्यक होता है, इसमें पूंजी लगाई जाती है। पैसे में सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है, आप देखते हो किसी डॉक्टर को पैसे लगाने की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, एक टेबल लेके बैठ जाएगा तब भी उसका कार्य हो जाएगा। उसी प्रकार कोई वकील है, वकील के लिए एक पूंजी की आवश्यकता, उसे अधिक पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती है, या फिर इंजीनियर है, इंजीनियर के भी ऐसी होती है कोई पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब क्या है, पैसे के अंदर आते हैं। लेकिन जो व्यवसाय है उसमें पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यवसाय तभी हो सकता है जब आपके पास धन है, आपके पास पूंजी है। इसके लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। जो रोजगार है उसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हो तो पूंजी उस दूसरे व्यक्ति द्वारा लगाई जाएगी। आप उसके लिए कार्य करोगे, उसके बदले आपको पारिश्रमिक देगा। जो व्यवसाय है उसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है, लाभ अर्जित करना है, और जो पैसा है इसका उद्देश्य सेवा द्वारा आय अर्जित करना होता है। पैसे में जो उद्देश्य जो है सेवा द्वारा आय अर्जित करने का मतलब है, अब डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाते हो तो आपके लिए वो दवाई देगा, टैबलेट देगा, वो आपको ठीक करने के लिए, तो उसके बदले आप क्या दोगे, फीस। यानी उद्देश्य सेवा द्वारा आय अर्जित करना होता है, उसकी सेवा करी उसके बदले आपने पैसे दिए, तो वो क्या है, इसका उद्देश्य सेवा द्वारा आय अर्जित करना होता है। जो रोजगार है इसका उद्देश्य वेतन अथवा मजदूरी के रूप में आय अर्जित करना है। जो उसका उद्देश्य है, जो रोजगार का उद्देश्य है, जो मजदूर का उद्देश्य है, वेतन अथवा मजदूरी के रूप में आय अर्जित करना होता है। आप देखते हो आपके पास से कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए जाता है तो वो क्या चाहता है, वो सैलरी पारिश्रमिक चाहता है, जो डेली कार्य करने के लिए जा रहा है तो उसे मजदूरी चाहिए, वेतन चाहिए, तो वो सब क्या है, रोजगार के अंदर ही आता है। फिर है जोखिम। जो व्यवसाय है इसमें जोखिम की संभावना है, जो व्यवसाय है उसमें जोखिम हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, तो वो क्या है, व्यवसाय है। जो पैसा है उसमें जोखिम कम है, जो आप बताओ कोई डॉक्टर है उसके लिए जोखिम नहीं है, क्योंकि उसे पूंजी लगानी नहीं पड़ती है। अब व्यवसाय में क्या है, पूंजी लगानी पड़ती है, पैसे लगाना पड़ता है, तो उसको अगर आप व्यवसाय नहीं चलता है तो उसे अधिक लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जो व्यवसाय है उसमें जोखिम की संभावना है, और जो पैसा है इसमें जोखिम कम होता है। रोजगार है इसके अंतर्गत जोखिम नहीं होता है, क्योंकि रोजगार किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हो तो दूसरा व्यक्ति का जोखिम होगा, आपका क्या जोखिम है, आप कार्य करोगे, तो इसलिए जो रोजगार है इसके अंतर्गत जोखिम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है हित स्थानांतरण। व्यवसाय द्वारा हित स्थानांतरण किया जाता है, इसमें हित स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, और जो रोजगार है इसमें कोई हित स्थानांतरण नहीं है। ठीक है, उसके बाद है व्यवसाय, तो इसमें है जो व्यवसाय पेशा रोजगार के जो अंतर हैं, इसमें आचार संहिता, तो आचार संहिता इसका नियंत्रण आचार संहिता द्वारा होता है। जो व्यवसाय है इसका जो नियंत्रण किया जाता है, जो कंट्रोल किया जाता है, वो आचार संहिता द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो पेशा है इसमें आचार संहिता लागू होती है। ठीक है, और जो रोजगार है इसमें समझौता अथवा अनुबंध लागू होता है, क्योंकि आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हो तो वहाँ पे समझौता किया जाएगा, अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध का मतलब होता है एग्रीमेंट किया जाएगा, क्योंकि अगर आप दोनों में कोई विवाद होता है, जो प्रबंधक है और जो श्रमिक है, अगर उस दोनों के बीच में विवाद होता है तो उस समझौते के अनुसार ही उस चीज़ का निपटारा किया जाएगा। तो लिखा हुआ नेक्स्ट प्रतिफल। व्यवसाय का प्रतिफल लाभ है, यानी जो व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है, जो लाभ जो फल होता है वो लाभ कमाना ही होता है। जो पैसा है, पैसे का शुल्क पेशेवर का पारिश्रमिक है। जैसे किसी डॉक्टर के पास अगर आप मरीज का इलाज कराने के लिए जा रहे हो तो आपकी वो सेवा करेगा, और उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा, धन देने पड़ेगा, उसकी फीस का भुगतान करना पड़ेगा, तो वो क्या है, पैसा। और जो रोजगार है इसमें वेतन मजदूरी पारिश्रमिक है। आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करने जा रहे हो तो उसके बदले आपको वो क्या देगा, पारिश्रमिक देगा, सैलरी देगा, वेतन देगा, तो ये सब क्या है, रोजगार है। तो आज मैंने आपको व्यवसाय, पैसा और रोजगार के बारे में बताया है। तो व्यवसाय के बारे में मैंने आपको बताया था, व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम व्यवसाय बोलते हैं। पैसे हैं, पैसे में बताया था मैंने, उन मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जिसमें व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण अथवा योग्यता के माध्यम से अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा एक निश्चित प्रतिफल के बदले करता है, उसे हम पैसा बोलते हैं। जैसे डॉक्टर अपने अनुभव के द्वारा रोगी का इलाज करता है,
अध्यापक अपने ज्ञान और योग्यता द्वारा बच्चों को पढ़ाता है, ये सब किसके अंदर आते हैं, पेशे के अंदर ही आते हैं। फिर रोजगार के बारे में बताया, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है उसके बदले उसे पारिश्रमिक मिलता है, वो क्या कहलाता है, रोजगार। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।